प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौट चुके हैं। शनिवार सुबह उनका विमान दिल्ली पहुंचा। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी का दिन बहुत ही व्यस्त रहा। विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में संबोधन और द्विपक्षीय बैठक भारत के प्रधानमंत्री ने किया, साथ ही ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की शुरुआत भी की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 2 मिनट का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उनके दिन भर के कार्यक्रम के बारे में बताया गया। उन्होंने लिखा था कि थैंक्स दुबई, यह एक सार्थक COP28 शिखर सम्मेलन रहा। आइए हम सब एक बेहतर ग्रह के लिए मिलकर काम करें और आगे बढ़ाएं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी खूब चर्चा में है, जिसे इटली की पीएम ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तस्वीर में पीएम मेलोनी नजर आ रही है, जो पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते दिख रही है। इस सेल्फी की बात करें तो इसे इटली की पीएम मेलोनी ने COP28 के दौरान क्लिक की थी। तस्वीर में दोनों मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मेलोनी ने इस सेल्फी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि COP28 में अच्छे मेलोडी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। दुबई में भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके पहुंचने के बाद वहां सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि प्रवासी भारतीय पीएम मोदी के दुबई पहुंचने के बाद मोदी अब की बार मोदी सरकार और वंदे भारत जैसे नारे लगा रहे हैं। ये नारे वीडियो में साफ सुने जा सकते हैं। वही एक अन्य वीडियो में पीएम मोदी को वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाते और बातचीत करते देखा जा सकता है। प्रभातखबर.com विश्वास वही।